हेलो गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है और आई डोंट नो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और मेरा जो अकाउंट था, इंस्टाग्राम अकाउंट, वो किसी के थ्रू हैक कर लिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को कैसे समझाऊँ। लगभग ये ऐसे स्टार्ट हुआ, 27 नवंबर को रात को मेरे को, मैं इंस्टा चला रहा था और फिर रात को मैं एकदम से मेरा अकाउंट बैक चला गया। और दो तीन रोबोट चेक किए मैंने, उसके बाद में मेरा फ़ोन नंबर चेक हुआ, उसके बाद में उनका कुछ मैसेज नहीं आया, मेरे पास कोड नहीं आया रिट्रीव करने के लिए अकाउंट। मैंने अपनी मदर के अकाउंट फ़ोन से लॉगिन करने की कोशिश की अपनी आईडी, बट वो लॉगिन नहीं हुई। और साथ ही में फिर मैंने जब यूज़र फाइंड करने की कोशिश करी, लॉगिन करने की कोशिश करी, तो इंस्टाग्राम ने बोला कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी हैं कोई, और इस वजह से, वायलेशन की वजह से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हम डिसेबल कर रहे हैं। अब मेरे को तीन वर्ड समझ में नहीं आए, डीएक्टिवेट, डिसेबल और डिलीट। डिलीट पता है हटा देंगे, डिसेबल और डीएक्टिवेट में मैं कंफ्यूज हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि इसमें क्या आपको क्या समझ में आता है। तो बेसिकली ये चीज़ हुई। उसके बाद में मैंने फ्रेंड्स के थ्रू पता किया, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है, जैसे कि अपन डीएक्टिवेट करते हैं आईडी वैसे आ रहा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको देखा है, ध्यान से समझा कि क्या हुआ है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। तो मैंने अपनी एक आईडी जिसको मैं बहुत पहले यूज़ करता था, जिससे इंस्टाग्राम मैंने बिल्ड किया था, उस इंस्टाग्राम आईडी को, मैंने याहू आईडी को अपनी खोल के देखा, तो लगभग 11th of November से मेरे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं लॉगिन के, और यहाँ तक कि हैक करके लॉगिन कर लिया गया था। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 तक उन्होंने लॉगिन किया है। सैमसंग M20 फ़ोन है वो, और उसके बाद में ये मेरे को पुलिस ने बताया है। और उसके बाद में नेक्स्ट 17 डेट को उसने मेरी ईमेल आईडी भी चेंज कर दी, कोई टेम्प्रेरी आईडी से यश रंजन लाइफस्टाइल GJMAI1.com, इस आईडी से उन्होंने चेंज करी मेरी ईमेल आईडी। और जब रेपिटेटिव ऐसे जब रेपिटेटिव पासवर्ड चेंज करने पड़ रहे थे मेरे को, उसकी वजह से इंस्टाग्राम को शायद लगा कि मैं कोई गलत अकाउंट हूँ और कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद में ये हुआ कि उसके बाद में ये हुआ कि उन्होंने मेरे अकाउंट को थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया था, कि 4 नवंबर तक मैं किसी को लाइक नहीं कर सकता, कमेंट, फॉलो कुछ नहीं कर सकता। तो इट वाज ओके फॉर मी, बट प्रॉब्लम जब आई जब उन्होंने अकाउंट डिसेबल कर दिया। और उस डिसेबल अकाउंट का ऐसा बोला जाता है, जितना मैंने रिसर्च करी उससे पता चला है, 2 या 3 बार अगर ऐसा हो जाता है तो अकाउंट डिलीट हो जाता है। उस अकाउंट में सिर्फ अकाउंट नहीं था, वो मेरी मतलब 2016 से या 2016 से 2020 तक मेरी सारी मेमोरीज उसमें थी। मुंबई गया था, गोवा गया था, सनबर्न अटेंड किया था, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे फिटनेस से रिलेटेड, कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड, फैमिली की फ़ोटोज़ थी, मेरी फ़ोटोज़ थी। 4 साल के बीच में मैंने जो भी कुछ किया, मैंने बहुत सारी, लगभग 105 समथिंग, 100, 105 के आसपास मेरी पोस्ट थी। और मैं काफ़ी अच्छा उसमें कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था। और 2 मिनट, मैं काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा था उस अकाउंट पे, और वो इंक्रीज़ हो रहा था, इंगेजमेंट इंक्रीज़ हो रही थी, फॉलोअर्स आ रहे थे, लाइक्स आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था उस अकाउंट पे मेरे साथ, और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, ब्रांड कोलैबोरेशंस थे। और फिर वो डिसेबल हो गया। समझ में ये नहीं आता कि इंस्टाग्राम थोड़ा नोटिफाई और करता मेरे को, मेरी दूसरी मेल पे जो कनेक्टेड थी उस पे मेरे को मैसेज करता, मेरे फ़ोन पे एक भी कोड नहीं आया जब मेरी इंस्टाग्राम आईडी डाउन करी उन्होंने, ना मेल की उन्होंने मेरे को मैसेज किया मेरे फ़ोन नंबर पे, कुछ भी नहीं करा। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब एक टाइम पे ऐसे हो गया था मैं, कि मतलब यही चीज़ मेरे को आगे लेके चलनी थी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और एकदम से गायब हो गई वो चीज़। उसके बाद में फिर अगला दिन हुआ, अगले दिन ब्रांड्स के फ़ोन आने लगे मेरे को, मेल आने लगे कि आपने अभी अभी कोलैबोरेशन किया था, आपका अकाउंट कहाँ है, हम आपको मैसेज कर रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो उनको समझाना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि जब ब्रांड्स आते हैं ना, उनको मतलब नहीं होता है किसी भी चीज़ से, उनको सिर्फ मतलब होता है कि उनका प्रमोशन होना चाहिए, उन्होंने पैसे दिए हैं उसका, उनका काम होना चाहिए, और वो काम करने के लिए अभी मेरे पास अकाउंट ही नहीं था। तो उसके बाद उनसे मेल पे मैंने बात करी सब ब्रांड से, और उसके बाद मैं नेक्स्ट मैंने वेट किया 1 घंटे समथिंग,
और हेल्प मांगी इंस्टाग्राम वालों से, उन्होंने कुछ कुछ स्टेप्स बताए, वो फॉलो किए, उसके बाद में मैंने मेल किया, आज तीन दो ढाई दिन हो चुके हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। और काफ़ी लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि देखो कैसे पता तेरा अकाउंट हैक हुआ है, तो मेरे को ऐसे पता है मेरा अकाउंट हैक हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये लॉगिन अटेम्प्ट हुए हैं जो कि मैंने नहीं करे, उदयपुर से भी करा है, जयपुर से भी करा है, ऐसे लगातार 13, 13, 13, 14, 14, 14 नवंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर, ऐसे करके जयपुर 14 नवंबर, और इसी तरीके से खूब सारे मेरे में लॉगिन किए गए हैं। उसके बाद में ये ईमेल आईडी भी चेंज करी गई है जो कि मैंने नहीं करी है। तो ये चीज़ मैंने इंस्टाग्राम वालों को बताया, बट अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया है। अभी समझ नहीं आ रहा है मेरे को मैं क्या करूं, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैंने इस अकाउंट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, उस पर अराउंड 9.7K फॉलोअर्स थे, खूब सारे कमेंट्स थे, मेमोरीज थी जो कि अब मेरे पास, उनमें से बहुत कम पिक्चर्स मेरे पास अब होंगी, अब नहीं है वो कोई सी भी। बहुत सारी चीज़ें थी, अब कुछ भी मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है किसी से, क्योंकि वहीं पे मैं था, सबके साथ कॉन्टैक्ट्स मैं शेयर नहीं करता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना था, वहीं से ग्रो करना था। तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बताऊँ आपको। और अब जिसने भी ये करा उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि अगर उसने मजाक में भी किया ना तो किसी के लिए ये बहुत सीरियस चीज़ होती है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी उसको, गलत किया। अब पता नहीं है इंस्टाग्राम वाले कब रिप्लाई करेंगे, अकाउंट रिट्रीव होगा भी या नहीं होगा, या डिलीट कर देंगे या फिर वापस अनेबल होगा। तो मेरे को कुछ दिन तक तो कुछ समझ नहीं आया, बट मैंने कल रात को एक आईडी बनाई अपनी, यश टंडन लाइफ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ 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 आप सपोर्ट करें और फॉलो कर लें मेरे को उधर, और चाहें तो अपनी स्टोरी पे भी लगा सकते हैं ताकि मेरे फॉलोअर्स जल्दी बढ़ें और मैं वापस ट्रैक पे आ सकूं। कोई भरोसा नहीं है इंस्टाग्राम वालों का, कब तक इनक्रीज वापस ले आए अकाउंट, या आए भी या नहीं भी आए। काफ़ी कुछ प्लान्स थे मेरे, आगे मैं पिक्चर्स भी अपलोड करने वाला था, बहुत सारे कोलैबोरेशंस थे, उनके साथ भी बात चल रही थी, YouTube ग्रो करना था। पुलिस ने बोला है कि वो लोगों ने रिपोर्ट कर ली है, FIR कर ली है, तो जल्दी उस जो जना था उसको पकड़ेंगे IP एड्रेस के थ्रू। बट जो भी हो, पहली चीज़ तो Instagram वालों को देखना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए था और ट्राई करना चाहिए था मेरे से कॉन्टैक्ट करने का। और उस जने को क्या मिल गया ये सब करके, तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन होता है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, आप वो ऑन कर लें बाई चांस आपके साथ ना हो वो चीज़। और बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है। एक टाइम के लिए मैं खाली हो गया था, क्या करूँ मैं, मतलब कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को लगा था कि फॉरगेट पासवर्ड करके मैं रीसेट कर लूँगा पासवर्ड, बट आईडी चली गई तो क्या कर लेगा इंसान, वो शो ही नहीं कर रही, यूज़र नॉट फाउंड। तो होप फॉर द बेस्ट, आईडी वापस आ जाए, नहीं आती है तो यही मेरी अब आईडी होगी, यश टंडन लाइफ, और यूट्यूब चैनल तो ये है ही, यश टंडन लाइफस्टाइल। सो गाइज आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जैसा सपोर्ट आप पिछली आईडी में दे रहे थे अभी भी मेरे को दें प्लीज़। मैं हर किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊँगा, कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा वापस, क्योंकि उसमें बहुत लोग थे और मेरे को सबका नाम और सब कुछ याद होना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँगा क्योंकि मैंने जैसे ही अकाउंट बनाया है तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आईडी क्यों नहीं बनाई है, क्यों डिलीट करी, या क्या हुआ आईडी के साथ। तो ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए है डायरेक्ट, ताकि वो सब जान सके मेरे साथ क्या हुआ है अभी।
ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, तो आई होप कि एंजॉय तो आपने क्या ही किया होगा वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं, मैं नए वीडियो के साथ आपके आऊँगा और आई होप कि आपको एंटरटेन कर पाऊँ, आपको मज़े मिले मेरे वीडियोस देख के, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उनके साथ ना हो ऐसा, ऑथेंटिकेशन ऑन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का कोई भरोसा नहीं है कि वो रखेगा भी अकाउंट को, नहीं रखेगा चाहे तो डिलीट कर देगा, कुछ भी कर सकता है, पता नहीं इतनी बड़ी वेबसाइट है कैसे ऐसे हैंडल करते हैं ये लोग, मतलब एक तो मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं इतने दिन से, 27, 28, 29, 3 दिन हो चुके हैं, मेल का जवाब नहीं है, और साथ ही में ऐसी आईडी डिलीट कर दी, इतने फॉलोअर्स के साथ इतनी इंगेजमेंट आ रही है, कमेंट है, ऑथेंटिकेटेड अकाउंट है, फालतू ऐसी कोई था नहीं। चलो ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू फॉर वॉचिंग।